नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं एक फीट सच का भांडा फोड़ कर रहा हूँ। बहादुरगंज के नगर पंचायत में धांधलियों का भांडा फोड़। सच जानिए पूरी प्रक्रिया क्या है। वार्ड नंबर 2 में मौजूद है नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 में यहाँ पे एक तरह से धांधली हुआ है। इंदिरा आवास के नाम पर धांधली किया गया है, लोगों से अवैध वसूली की गई है। इंदिरा आवास के नाम पर पैसे वसूले गए हैं। आखिर काये पालक के नाक के नीचे अगर वार्ड पार्षद इस तरह के कारनामे करते हैं तो जिला प्रशासन और कार्यपालक से भी सवाल है कि आखिर ऐसे लोगों पर लगाम यानी नकेल क्यों नहीं कसा गया। बड़ा सवाल है कि आखिर प्रशासन की ओर ऐसी चीज़ें अगर हो रहा है तो उन पर क्या एक्शन लेने की प्रक्रियाएं सामने आ रही हैं। लाइव 24 न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि ये लोग हैं जो मेरे सारे साथ खड़े हैं, ये लगता है इनसे अवैध वसूली होगी। क्या ये वसूली करना बेहतर था? ऐसे में वार्ड पार्षद का नाम है राजीव, राजीव जी ने यहाँ पे अवैध वसूली की है। कई लोगों ने बताया चाचा क्या दिक्कत है जो आप मीडिया के माध्यम से आपको बात करो। क्या राजीव जी परेशानी से तो बता, शौचालय दियो? कुछ नहीं दिया शौचालय, लेटर रूम कुछ नहीं दिया गया। कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो टका दे रहा है उसी को मिला है ना, जो पैसा दिया है उसी पहले 5000 मांगा है। क्या कर रहे हैं आप? जो पैसा देगा उसी को, जो नहीं दिया तो उसी को कुछ नहीं। अच्छा, मतलब आपने पैसा दिया नहीं तो आपको इंदिरा आवास नहीं मिल पाया? हमको नहीं मिला। अच्छा, ओके। क्या कह रहे हैं आपका जो वार्ड ये इसको दीजिए, इसको वार्ड पार्षद है जिसको दीजिए। राजीव जी क्या कह रहे हैं? राजीव जी वो पहले मांगा था कि कागज पत्र को दीजिए। बाप दादा वाला कागज में तो मिलता ही नहीं, उसको दे दिए। चलिए फिर बाप दादा वाला कागज में नहीं दे सके, उसने बाप दादा ये दिन का दिए, घर वाले को सौंप दिया है, लेकिन ने बनाया कॉन्ट्रैक्ट दे लिया, आवाज का अभी तक नहीं मिला। आवाज का पैसा दिया नहीं तो आवाज नहीं मिला। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे जानकारी लो। और लोग हैं, हम इनसे भी जानकारी लें। क्या हुआ आप राजीव जी से नाराज क्यों हैं? क्या हो गया? राजीव जी के पास बोला कि भाई हमारा नाम से कल्याण होगा, बाप दादा, बाप दादा वाला कागज में, बाप वाला कागज में कल्याण नहीं होगा, तुमको खरीदना होगा, जब पैसा है कि हम खरीद करके कल्याण लिख जाएंगे, बाप दादा वाला जमीन है मेरा 10 कट्ठा 15 कट्ठा। ये चीज़ कौन कहा ये बात आपको? नंबर बोला राजीव बोला, राजीव बोला तो बाप दादा का नहीं होगा, जमीन खरीदना होगा, प्रदर्शन करना होगा, रसीद कटाना होगा, उनके बाद मिलेगा। मॉडर्न करवाना पड़ता 20,000 टका 40,000 टका। कि यहाँ लोगों का ये कहना है कि राजीव जो जी जो हैं वो पैसे मांग रहे हैं, यानी सीधा साफ अल्फाज में यूँ कह दें कि वो पैसा ले करके तब इंदिरा आवास दिलाने का काम कर रहे हैं। क्या कार्यपालक साहब और जिला पदाधिकारी से अनुरोध है, लोगों का ये कहना है कि इन पर नकेल कब कसा जाएगा? आखिर ऐसे कई बहादुरगंज नगर पंचायत के कई ऐसे वार्ड में है कि जो हमने इससे पहले भी एक वार्ड का भांडा फोड़ किया था, फिर से वही मामला सामने आया है। क्या इन पर प्रशासन द्वारा नकेल कसा जाएगा? ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री से भी सवाल है कि आखिर ये वार्ड सदस्य लोग जो अवैध वसूली कर रहे हैं, लोगों को इंदिरा आवास के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, क्या इनके प्रति कोई करेक्ट स्टैंड अपनाया जाएगा? ऐसे में लाइव 24 संवाददाता के जरिए से मैं यही लगातार कवरेज दिखा रहा हूँ कि सच तो यही है कि लोग कैसे व्यवस्थाओं पर काम कर रहे हैं। हर एक पैखाना रूम वाला हर एक आदमी 500 करके दिया। पूरी मामला ये है कि जब से मैं मुंबई से आया तो वार्ड में पहुंचा तो पूरा धमाल मच गया। तो मैं चारों तरफ घूमा वार्ड में तो देखते हैं गरीब का समस्या बिल्कुल ख़राब है, किसी का राशन कार्ड नहीं बना है। आपको दिखा देंगे, वो आदमी से बात करा देंगे, जो सही बात है गलत बात नहीं है, मेरी तो उसका दुकान है। मेरा कहना ये है कि नगर पंचायत बहादुरगंज वार्ड नंबर 2 या ये या 3 या 18 कोई भी हो, जो इसके खिलाफ मैं कार्यपालक पदाधिकारी को कहना चाहूँगा कि यदि जनता को यदि परेशान करेगा तो हम लोग नहीं बख्शेंगे। इसके लिए जो भी करना हो मैं इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा, इसके लिए मुख्यमंत्री तक ये बात फैले और मेरा वार्ड में काम हो। लॉकडाउन में इतना गरीब परेशान, मेरा वार्ड में बहुत गरीब है, कोई अमीर नहीं है, रोज कमाएगा तो खाएगा नहीं तो भूखे मर जाएगा। कुछ नहीं मिला पैसा किसी के खाते में, ना गेहूँ मिला ना चावल मिला, कुछ नहीं मिला। इधर रोड घाट कुछ नहीं बना है, ये भी नहीं बना है। क्या बना है पता लो, पैसों वालों को ही कॉलोनी मिला है, पैसे वालों को लिया हुआ 20,000 देंगे, वो पैसा दे देगा 2 लाख रुपया वो बना लेगा। तो गरीब आदमी है, वो रोज कमाना खाना है, कॉलोनी नहीं मिलता है। तो सरकार नीतीश कुमार ऐसा बिहार सरकार अपना जनता को संभाले, नहीं तो इसके खिलाफ हम लोग 2 दिन के अंदर रोड पे उतर जाएंगे और जो भी आए
चाहे प्रशासन आए, एसपी साहब आए, डीएम साहब आए, हम लोग सुनवाई नहीं करेंगे, इसके लिए धरना पे बैठ के रहेंगे। जो हमने सच का उजागर किया है, बड़ी तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर है इसमें बता दूं आपको, बहादुरगंज के वार्ड नंबर 2 से एक सच का पर्दाफाश हो रहा है। अब प्रशासन को नकेल कसने की जरूरत है, कि अब देखना यह है कि प्रशासन नकेल कस रही है या नहीं। कैमरा पर्सन मुंतजिर कैसा आलम के साथ, मैं बहादुरगंज से नगर पंचायत वार्ड नंबर 2 से मिनहाज आलम। कितना पैसा लिया आपसे? 10,000 रुपया आपसे लिया। राजीव क्या कह के लिया आपसे? कॉलोनी का घर ले करके क्या करके इंद्रावास कह करके लिया? हाँ, इंद्रावास करके पैसा लिया सभी से। हाँ। कोई तो आदमी घुचर बुचर बोलता है पैसा इंद्रावास से लिया। लास्ट सफर में हमारा छठ उत्सव जो है पैसा भी नहीं मिला है। हाँ। लास्ट सफर में अभी तक नहीं। आपसे कितना पैसा लिया? हमसे लिया 1200। 12,000 लिया है। 12,000। और अभी तक आपका छत का पेमेंट नहीं हुआ है? लास्ट पेमेंट नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं आप? कौन है? अच्छा, छत पेमेंट हो गया है, तीसरा पेमेंट नहीं हुआ है। छत का पेमेंट हो गया, अब तक लास्ट पेमेंट नहीं हुआ। चलिए ठीक है।